और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई पुलिस अधिकारियों की मीटिंग। पहली बार सीएम अशोक गहलोत पुलिस मुख्यालय में कोई मीटिंग लेंगे। प्रदेश के तमाम आईजी सहित एसपी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। कानून व्यवस्था के वर्तमान हालातों पर समीक्षा होगी और साथ ही इस बैठक में डीजीपी कपिल गर्ग भी मौजूद रहेंगे। बता दूं कि प्रदेश में कई कार्यों सहित एसपी के कार्यों की भी समीक्षा होगी। कठोर कानून बनाए जाने को लेकर अफसरों की रायशुमारी का दौर इस बैठक के माध्यम से चलेगा। सीएम अशोक गहलोत मीटिंग में बड़े फैसले ले सकते हैं, इसकी भी संभावना है। डीजीपी कपिल गर्ग ने इस मीटिंग के लिए समीक्षा की रिपोर्ट भी बनाई है और पहली बार ऐसा होगा जब प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत पुलिस मुख्यालय में कोई मीटिंग लेंगे। कानून व्यवस्था पर इस बैठक में चर्चाएं होंगी। तमाम आईजी और तमाम एसपी इस बैठक में मौजूद होंगे और साथ ही संभावना है कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत इस बैठक के माध्यम से कई बड़े फैसले ले सकते हैं। पहली बार सीएम अशोक गहलोत पुलिस मुख्यालय में कोई बैठक लेंगे और प्रदेश के तमाम आईजी सहित एसपी गण भी इस बैठक में मौजूद होंगे। इस बैठक में वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चाएं होंगी। और अफसरों की रायशुमारी का दौर इस बैठक के माध्यम से कानून व्यवस्था पर विचार विमर्श होगा। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, सबसे पहले ये मीटिंग कब तक शुरू होगी और अपने आप में एक अच्छी बात है कि आचार संहिता हटने के साथ ही प्रदेश के मुखिया पहली बार पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक लेंगे। कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे और क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होंगी? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि बैठक का जो दौर है वो शुरू होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी कपिल गर्ग है, इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लाठर समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम जो आईजी रेंज हैं और जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर मौके पे आए हैं। लेकिन जो जो अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है उनसे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वीसी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे और उनसे तमाम जो पूरे राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है उसकी यहाँ पर रायशुमारी ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर किस तरह की कानून व्यवस्था बनी हुई है, कुछ राज्यों के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर अशोक गहलोत है जो क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है तो ऐसे में तमाम जो कानून व्यवस्था से रिलेटेड जितनी भी जो समीक्षा है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है और तमाम जो अधिकारी हो रहे हैं, अधिकारी जो बैठे हैं उनसे भी यहाँ पर उनसे बातचीत करके कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, किस तरह के जो घटनाक्रम हुए हैं और किन घटनाक्रमों पर किस तरह के पुलिस का जो रिव्यू रहा है, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर अशोक गहलोत उनसे चर्चा कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर, कुछ जिलों के अंदर जो छिटपुट घटनाएं सामने देखने को मिली थी उनको लेकर के भी यहाँ पर जो कुछ बड़े जो फैसले हैं वो अशोक गहलोत दे सकते हैं कि किस तरह कानून व्यवस्था की पालना की जाए और किस तरह अधिकारियों पर लगाम कसी जाए, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर जो अशोक गहलोत है बड़े बड़े फैसले रखते हैं। लेकिन ज्योति, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ अधिकारियों के खिलाफ कुछ मामले भी सामने आए थे, उन अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की पूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी उन चीजों को लेकर के भी यहाँ पर जो सीएम अशोक गहलोत है उन सब चीजों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर रिव्यू जो बैठे क्राइम की जो मीटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार यहाँ पर अशोक गहलोत पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर उनसे जो बातचीत का जोर अधिकारियों से वो लगातार यहाँ पर जारी है। यादवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम तरह की चीजों पर आज इस बैठक के माध्यम से चर्चाएं होंगी, यादवेंद्र डीजीपी कपिल गर्ग आज एक इस मीटिंग के लिए समीक्षा रिपोर्ट बनाएंगे, तो क्या उम्मीद है इस समीक्षा रिपोर्ट में? कितने मुकदमे दर्ज हुए और किस किस थाने में, कितने मुकदमे दर्ज होने के बाद कितने के समाधान निकाल पाई थाने के थानाधिकारी और जैसे भी तमाम आईजी गण इस बैठक में मौजूद होंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं समीक्षा रिपोर्ट में यही सब कुछ होगा कि कानून व्यवस्था पर कितना लगाम लगाया गया? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि बीते दिनों अगर बात करें 2016-17 और 18 के आंकड़ों को उठा करके देखें और 2019 के जो आंकड़ों को उठा करके देखें तो उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि कितने जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े हैं। लूट हत्या से जुड़े कितने मामले हैं, दुष्कर्म से जुड़े जो मामले हैं वो कितने बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ज्योति, यहाँ पर जो बीते दिनों अलवर के अंदर थानागाजी के अंदर जो दुष्कर्म का जो मामला सामने आया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था पर एक बड़े सवाल खड़े हुए थे, उन चीजों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक बड़ा चिंता का मामला है या चिंता की मानता है कि यहाँ पर कि राजस्थान के अंदर जो लगातार दुष्कर्म के जो मामले बढ़े हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर डीजीपी कुछ चिंतित है। लेकिन अभी बीते दिनों जब जिस तरीके से बयान सामने आया था
कि 50% से ज्यादा जो मामले थे वो दुष्कर्म के वो झूठे पाए गए थे, और 40% से ज्यादा जो कुछ मामले थे उनमें कहीं ना कहीं जो आपकी मिली बात थी या किसी फायदे के लिए इस मामलों को दर्ज कराया गया था। तो इन सब चीजों को लेकर यादवेंद्र अगर वर्तमान कानून व्यवस्था की बात करें तो प्रदेश के हालात कुछ इन दिनों ठीक नहीं चल रहे, भले ही वो बात महिला सुरक्षा को लेकर कीजिए, तो इस ऐसे में यादवेंद्र एक सही कदम मान सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया ने पुलिस मुख्यालय में मौजूद होकर सभी तमाम आईजी और एसपी की बैठक लेना उचित समझा। ये बैठक शुरू भी हो चुकी है, बाकी की जो भी जानकारी है उम्मीद करते हैं आप इस बैठक के बाद हमें देंगे कि क्या कुछ इस बैठक के बाद निष्कर्ष निकलकर सामने आया। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत आज पुलिस अधिकारियों की पुलिस मुख्यालय में एक बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं होंगी। तमाम आईजी तमाम एसपी इस बैठक में मौजूद होंगे और साथ ही डीजीपी कपिल गर्ग भी इस बैठक में मौजूद हैं।